Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Surat School, Rewari. Today we will discuss the third unit, Magnetic Effects of Current and Magnetism of second chapter, Forces on Charged Particle in Electric and Magnetic Field. And our today's topic is Torque on a Current Carrying Coil when placed in External Magnetic Field. क्योंकि जब भी हम Current Carrying Coil, अब Coil के ऊपर आ गए हैं basically. इससे last video में हमने क्या discuss किया था? When a चार्ज इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस फोर्स. जब एक करंट कैरिंग वायर होता है तो उसमें नंबर ऑफ चार्जेस होता है, सभी पे अक्यूमुलेटिव इफेक्ट लगेगा. तो हमने कहा कि जो सभी चार्जेस पे फोर्स, इसका मतलब हम बोलने लगे करंट कैरिंग वायर को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है. फिर अब हम उस वायर को स्ट्रेट ना रख के कोई कोयल बनाएंगे तो कोयल में क्या होगा, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे एंड. तो या तो उसको सर्कुलर बना सकते हैं. अब सर्कुलर के बारे में तो बेसिकली हम पढ़ चुके हैं. यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर कोयल बनाई है, यानी इसकी लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी बेसिकली. तो इसका मतलब इस पॉइंट से स्टार्ट किया, वापस इसी पॉइंट पे एक सिंगल टर्न लिया, बार बार टर्न करेंगे तो क्या होगा, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. वो बाद में हम ऐड कर सकते हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही ज्यादा मल्टीपल फोर्स या टॉर्क लगेगा उसके ऊपर. तो ये बेसिक कंसेप्ट था. तो इसका मतलब हम कोयल को रेक्टेंगुलर कोयल कह रहे हैं. और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट आने वाला है हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए, इस पे भी पॉइंट बनते हैं काफी, यहाँ पे देखेंगे इस चीज को. तो मैंने एक रेक्टेंगुलर कोयल ली है पी क्यू आर एस, ये इसमें करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. इसकी जो ब्रेड्थ है कोयल की वो बी है. जैसे मैं ये कहूँ कि ये मैंने कोई नोटबुक ली हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी ब्रेड्थ है जो एस पी साइड होगी, ये ब्रेड्थ होगी, ये हमारे पास में लेंथ है इसकी, ठीक है. इसमें करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ऐसे इसके एजेस पे, क्योंकि वायर होता है बेसिकली, वायर को हम इसके ऊपर रैप करेंगे तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वो हमने दिखाया. कहता है कि हमने इसको जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है, कहीं से भी किसी भी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की, मान लेते इधर नॉर्थ पोल है उधर साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो कैसे होंगी. तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन से, ऐसे इसके थ्रू पास होती है अपर और लोअर एंड सभी पे. तो मैंने इस कोयल में जो करंट जा रहा था उस करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल मान लिया वो मान लिया थीटा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दो वेक्टर के बीच में आप एंगल कौन सा मानते हो, दोनों के टेल पॉइंट में या दोनों के हेड में, तो एक वेक्टर यहां से इधर जा रहा है एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो ये जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड थीटा. अगर इसको थीटा कह रहे हैं कि यहां पे ये एक वेक्टर इधर गया, ये वेक्टर जो है वो ऐसे आ रहा है इस डायरेक्शन, तो इसका मतलब ये कितना होगा फिर 180 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा तो किस किस के बीच में था, करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड में, ये थीटा है तो ये सेम डायरेक्शन में था. यहां पे अगर मैं कहूं कि इस एंड और ये मैग्नेटिक फील्ड थी इसकी, इन दोनों के बीच में ये डायरेक्शन करंट की थी लोअर एंड पे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा है यहाँ पे, तो इसका मतलब इसी पेन को ऊपर ले जाऊंगा तो इधर आपने कह दिया थीटा है तो ये कितना होगा, टेल्ट के बीच में 180 माइनस थीटा. बाकी जो कंसेप्ट है वो 90 डिग्री का है, ये एज जो होगा वो बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही, तो इसके साथ में ये कितना एंगल बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री, इस एज के साथ में भी देखेंगे तो कितना एंगल बन रहा है वर्टिकली के साथ में 90. इसका मतलब यहाँ पे पी क्यू साइड में और आर एस साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा. तो मुझे स्ट्रेट वायर पे पता है कितना फोर्स लगेगा जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो मैं ऐसे चार स्ट्रेट वायर मान लू और उन पे देखते हैं कितना फोर्स आता है, फिर कैलकुलेट करेंगे अगर कपल ऑफ फोर्स कहीं पे जनरेट हो रहा है. तो सबसे पहले मैंने कैलकुलेट किया फोर्स ऑन वायर एस पी एस, इस पोर्शन को लिया मैंने एस से पी तक, इसको नाम दिया मैंने एफ वन फोर्स, इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, आई करंट है वो आई फ्लो कर रहा है इसमें सभी में, तो आई लेंथ लेंगे, लेंथ कहां से कहां तक लोगे आप, कहां से कहां तक चल रहे हैं, एस से पी तक, तो एस पी वेक्टर क्वांटिटी था इनटू में मैग्नेटिक फील्ड. अब एस से पी तक आप इधर आ रहे हो वेक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है 180 माइनस थीटा, तो यहां पे मैंने लिख दिया आई और यहां पे ब्रेड थी, एस से पी तक बेसिकली हम लिख सकते हैं ब्रेड, मैग्नेटिक फील्ड थी और साइन 180 माइनस में
थीटा। अब आपको ये पता होगा साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होता है। सो एफ वन इज इक्वल टू आई स्मॉल बी ब्रेड कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन। क्लियर हो गया पॉइंट? मैंने यहाँ पे वेक्टर लगाया तो मुझे डायरेक्शन भी चाहिए। अब डायरेक्शन आपको बहुत अच्छे से पता थी, स्ट्रेट वायर पे हमारे पास एक ही फॉर्मूला था, या तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड थंब रूल। तो लेंथ की डायरेक्शन में जाएंगे, अब लेंथ किस डायरेक्शन में चलेंगे, करंट की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे तो वो केस था। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि लेंथ की डायरेक्शन में इधर जा रहे थे, ठीक है, इस साइड में, यहां से रोटेट करते हुए जाएंगे, जैसे यहाँ पे कहूँ ये करंट ऐसे, करंट ऐसे आ रहा था इसमें डाउनवर्ड में, ये एस पॉइंट है, ये पी पॉइंट था, तो एस से पी तक आ रहा था, ये मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें तो जब एक वेक्टर आ रहा है लेंथ की डायरेक्शन में इधर जाएंगे तो ऐसे रोटेट करके ये तो होगा स्मॉलर एंगल टेल टू टेल के बीच में, ऐसे ही तो इसका मतलब थंब जो होगा वो हमारा किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे तब भी किधर आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, करंट की डायरेक्शन है इधर है, तो थंब किधर आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पे डायरेक्शन जो होगी वो मैंने यहां पे लिख दी अपवर्ड फर्स्ट पे। ऐसे ही मैंने पहले कैलकुलेट किया इसको, पी और क्यू को बाद में कैलकुलेट करेंगे, क्यू और आर पे कैलकुलेट करते हैं पहले। फोर्स ऑन वायर QR, क्योंकि ये भी कोइल का ही पार्ट है, QR पे कर रहे हैं, इसका नाम मैंने दिया F2। यहाँ पे भी करंट तो सेम होगा, सेम कोइल में फ्लो करेगा, यहाँ पे भी डायरेक्शन डिस्टेंस होगी Q से R तक वेक्टर लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड। अब की बार यहाँ पे देखना, दोनों के बीच में हमने एंगल थीटा लिया हुआ है, स्मॉलर एंगल था ये टर्म्स, इसमें लोअर एंड में करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, तो यहाँ पे जो आएगा वो डायरेक्टली कितना जाएगा, थीटा होगा, क्योंकि स्मॉलर एंगल था, यहाँ पे लार्जर था इसलिए हमने 180 माइनस थीटा लिखा। यहाँ पे भी ब्रेड है, रेक्टेंगुलर कोयल है, तो ये ब्रेड है, तो ये भी, तो यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो आई बी इंटू में पी, और यहाँ पे साइन थीटा, और यहाँ पे कितना आ गया एफ। क्लियर हो गया पॉइंट? यहाँ पे डायरेक्शन देखी जाए तो डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में, चलो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट करेंगे, तो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड थी राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, हमारी फिंगर ऐसे जा रही है, हमें रोटेट करना है ऐसे स्मॉलर एंगल के थ्रू, तो रोटेट करेंगे तो हमारा थंब किधर आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन इस बार जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है। यानी कि बेसिकली इन दोनों फोर्सेज में देखा जाए तो इस वायर पे फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और इस वायर पे जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहां पे दोनों के अक्यूमुलेटिव इफेक्ट को देखा जाए तो इस पे जो फोर्स लगा ये F1, और इस पे फोर्स देखा जाए वो किधर लगा F2। तो इसका मतलब ये दोनों तो एक दूसरे क्या करते हैं, कैंसल आउट, क्योंकि सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स में है, अगर यहां पे जितना लग रहा होगा उतना ही यहां पे, तो इसका मतलब सेम लाइन में है सारे फोर्सेस, जितना SP पे लग रहा है उतना ही QR पे, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड देख लिया आई बी बी साइन थीटा, यहाँ पे भी आई बी बी साइन थीटा, बट इस पे अपवर्ड में है, इस पे डाउनवर्ड में। सो एफ वन एंड एफ टू कैंसल आउट, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, यहाँ पे नेट फोर्स इन दोनों का जीरो आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अभी दो और पोर्शन बच रहे हैं हमारे पास में कोयल को कंप्लीट करने के लिए, पी से क्यू और एक आर से एस। तो फोर्स ऑन वायर पी क्यू इज, इसको हमने नाम दिया एफ थ्री, कितना आएगा आई, डिस्टेंस हमें कहां से कहां तक लेनी है, पी से क्यू तक, इंटू में पी आई, और पी क्यू जो है वो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर कोयल है एल, और यहां पे पी, और दोनों के बीच में लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से कितने एंगल पे है 90, तो यहाँ पे कितना आ गया साइन 90 F3। साइन 90 हमें पता है 1 होता है, F3 is equal to आ गया I L V, बट मुझे डायरेक्शन में इंटरेस्टेड कि डायरेक्शन क्या होगी इस पे फोर्स की, तो वापस से वही करंट की डायरेक्शन में, चलो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या करेंगे, टिल्ट करेंगे राइट हैंड को, तो यही था बेसिकली कोयल।
इसमें लोअर डायरेक्शन में करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हैं तो लोअर डायरेक्शन में चले, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इधर थी तो फिंगर इधर ही कर लोगे तो हमारा थंब जो होगा वो किधर आएगा, इससे इस लाइन ऑफ इस लाइन से पीक्यू से बिल्कुल परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आएगा। तो यहाँ पे हम कहें कि ये बिल्कुल परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे अगर मैं इंडिकेट करूं तो ये जो यहाँ पे फोर्स होगा वो F3 बाहर आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम इस चीज को लिख सकते हैं बेसिकली परपेंडिकुलर आउटवर्ड F3। लास्ट लूप बची हमारे पास में कंप्लीट होने के लिए, फोर्स ऑन वायर RS इज F4 is equal to, मैंने कहा वही सेम I, R से S तक डिस्टेंस है, RS मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और RS लेंथ में वापस एंगल कितना है 90 डिग्री, सो F4 is equal to I, R से S तक की डिस्टेंस लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे साइन 90, साइन 90 वापस से कितना हो जाएगा 1, सो F4 is equal to ILB, बट डायरेक्शन क्या होगी, वापस से हुई करंट की डायरेक्शन में चलेंगे राइट हैंड में और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टिल्ट करेंगे तो ऊपर की तरफ चल रहे हैं, इस पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो हमारा थंब जो होगा वो किधर जाएगा, इनवर्ट डायरेक्शन में, तो इसमें जो फोर्स लगेगा F4 वो इनवर्ट डायरेक्शन में और ये आउटवर्ड, तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा परपेंडिकुलरली इनवर्ट डायरेक्शन। अब आप कहोगे सर ये भी तो एक दूसरे से अपोजिट है, हाँ बिल्कुल अपोजिट है, ILB इसका मैग्नीट्यूड, इस पे जितना बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है इस पे उतना ही अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसका मतलब F3 एंड F4 कैंसिल आउट ईच अदर, ये भी बैलेंस थे, इक्वल थे और अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो नेट फोर्स जो होगा, सो नेट फोर्स ऑन कोयल इज इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स अपवर्ड ने डाउनवर्ड को कैंसिल कर दिया, आउटवर्ड ने इनवर्ड को कैंसिल कर दिया, तो इस कोयल पे नेट जो फोर्स है वो कितना है जीरो, इसका मतलब ये कोयल जो है वो किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करेगी, दैट मीन्स मैं कहूं आगे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा क्योंकि नेट फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, ये यहीं पे रहेगा। बट अब देखते हैं क्या यहां पे है कोई चीज रेस्ट पे है, जैसे मैं कहूं कि मैंने इस पेन पे फोर्स लगा रखा है यहां पे, ठीक है, ऐसे फिंगर की हेल्प से ऐसे एक दूसरे पे, तो इस पे इधर लगाया इस पे इधर लगाया तब भी नेट फोर्स है, लेकिन क्या ये रोटेट कर सकते हैं, देखते हैं इसका कंसेप्ट। तो यहां पे कोई लीनियर मोशन नहीं होगा इसमें क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, बट आगे कंसेप्ट देखते हैं क्या यहां पे रोटेशनल मोशन पॉसिबल है। तो यहां पे एक चीज हमें समझ में आई कि जो अपवर्ड फोर्स था और जो डाउनवर्ड फोर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट जरूर कर रहे हैं, ठीक है, वो सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स में भी है, इसमें है सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स में, इसका मतलब क्या होता है कि बिल्कुल एक दूसरे के लाइन में, यहां पे इसको अगर देखा जाए तो इस पे जिस पॉइंट पे अपवर्ड में है इस पे उस पॉइंट पे डाउनवर्ड में है, इस पे इधर इस पे इधर, लेकिन यहां पे जो ये साइड है पी से क्यू और आर से वो सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स नहीं, यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो बाहर की तरफ है, यहाँ पे इनसाइड में है। अगर मैं पेन की तरह दिखाऊं इसको तो यहाँ पे इस कंसेप्ट को हम ऐसे देख सकते हैं, ये तो इसका मतलब ये दोनों सेम लाइन में तो नहीं है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये वायर इधर बाहर की तरफ जा रहा था और ये इनसाइड में आ रहा था, यहाँ पे देखा जाए तो जो फोर्स की डायरेक्शन थी, इसका मतलब ये दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन में तो नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कपल ऑफ फोर्स बनेगा और ये चीज क्या करेगी रोटेट, अगर मैं इसको हैंग कर दूं यहाँ पे किसी की हेल्प से तो इस पे इधर फोर्स लग रहा है इस पे इधर लग रहा है तो ये दोनों क्या करेंगे इस चीज को रोटेट कराएंगे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सो F3 एंड F4 आर नॉट इन सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, सो दे फॉर्म कपल ऑफ फोर्स, और अगर ये कपल ऑफ फोर्स बना रहे हैं दैट मीन्स रोटेट करेंगे, तो रोटेशन के लिए हमें पता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, फोर्स दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, उसको अगर ध्यान से देखें तो इसको जब मैं टॉप व्यू में देखता हूं यहां पे
टॉप व्यू में ध्यान से देखेंगे इस चीज को, तो इसको ऊपर से देख रहे हैं तो इस पे फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, इस पे इनसाइड में लग रहा है, तो यहाँ पे ब्रेड्थ है दोनों के बीच में। तो मैंने इस कंसेप्ट को ये डिजाइन किया, ये पी था और ये यहाँ पे एस था, इस पे फोर्स जो लग रहा है वो ये लग रहा है एफ थ्री, और इस पे जो फोर्स लग रहा है, सॉरी एफ फोर था इस पे, और इस पे जो फोर्स है वो एफ थ्री था, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी। और अभी हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड में और इसके बीच में जो एंगल बन रहा था वो कितना था, थीटा था, और ये जो डिस्टेंस थी वो आपको दे रखी थी ब्रेथ। यानी इसको टॉप से देखेंगे तो ये पी पॉइंट, ये पी पॉइंट था, ये एस पॉइंट था, यहाँ पे एस पे फोर्स लग रहा था, ठीक है, उल्टा, हाँ सही, ये एफ फोर्स था, ये एफ थ्री था, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर थे, ये विड्थ थी। मैग्नेटिक फील्ड के साथ में जो एंगल बन रहा था, यहाँ पे देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा था, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दूं तो कितना एंगल था, ये 90 डिग्री तो था, सेम, ओ सॉरी थीटा ही तो था, तो इसका मतलब ये थीटा है। लेकिन हमें इन दोनों के बीच में ये लाइन ऑफ एक्शन थी, ये फोर्स इस लाइन में था, ये फोर्स इस लाइन में था, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, दैट मींस स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ये यहाँ पे आता, ये यहाँ पे, ये कंसेप्ट था, ये यहाँ पे आ रहा था, दूसरा मार्कर यहाँ था, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये, शॉर्टेस्ट मतलब मिनिमम, कम से कम डिस्टेंस कितनी होगी, तो यहाँ पे बी जो है वो मिनिमम डिस्टेंस नहीं, इस बी को रिजोल्व करें तो यहाँ पे कितना आएगा, बी कोस थीटा, तो इसका मतलब एफ थ्री और एफ फोर के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है दैट इज बी कोस थीटा नॉट बी। सो यहाँ पे कपल ऑफ फोर्स बन रहा है, टोर्क इज इक्वल टू, टोर्क का फॉर्मूला 11th में पढ़ चुके हैं, क्या होता था, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोर्स है, या तो एफ थ्री मान लो या एफ फोर मान लो, दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो फोर्स है आई एल कैपिटल बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट मीन स्मॉलेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, बी कोस थीटा। तो यहां पे मैं इस चीज को लिख सकता हूं आई एल इंटू में बी स्मॉल बी और ये कैपिटल बी कोस थीटा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो था वो क्या होता है, एरिया, तो यहां पे आ गया आई इंटू में एरिया ऑफ द कोइल मैग्नेटिक फील्ड इंटू में कोस थीटा, ये टॉर्क का फॉर्मूला था। अब मैं फॉर एन टर्न्स, यहाँ पे मैंने पहले कहा था सिर्फ एक टर्न है, ऐसे अगर एक टर्न और लगा दूं सेम डायरेक्शन में, ऐसे ही टर्न करते जाते हैं तो सेम इफेक्ट आएगा, अक्यूमुलेटिव इफेक्ट, फोर्स की डायरेक्शन सेम रहेगी तो वहां पे फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज, सेम डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं फॉर एन टर्न्स, फॉर एन टर्न्स ऑफ द कोइल टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई आई ए बी कोस थीटा। अब एक टर्म हमें कुछ जानी पहचानी से दिख रही है और उस टर्म का नाम है यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्योंकि जहां पे भी लूप होती है तो लूप में क्या आता है, बेसिकली वहां पे एक नॉर्थ पोल बनता है और एक साउथ पोल बनता है, क्योंकि मैग्नेटिक पोल्स को कैन नेवर बी सेपरेटेड, कि कभी भी सेपरेट नहीं करवा सकते, तो जब हम करंट से बनाएंगे कोइल तब भी तो वही इफेक्ट होगा, तो वहां पे सेम इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। देखते हैं इस चीज को क्या क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ज्यादातर बच्चे यहीं पे मिस्टेक करेंगे, ठीक है, देखेंगे इसको ध्यान से। एन आई ए टॉर्क का फॉर्मूला आ गया हमारे पास में, फॉर एन टर्न्स टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए फॉर एन टर्न्स है बी कोस थीटा। बट मैंने पहले कहा था हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बेसिकली कोइल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसलिए फॉर्मूला याद रखेंगे अभी। कोइल है तो ये अगर क्लॉकवाइज है इसका मतलब यहाँ पे साउथ पोल है, तो इसका बैक साइड कैसा होगा, नॉर्थ पोल होगा, तो इसका मतलब दो पोल सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस है तो मैग्नेटिक डायपोल होता है। इस डायपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं, तो यहाँ पे करंट की टर्म्स में मेजर करते हैं और करंट की टर्म्स में आता है करंट इंटू एरिया। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी बढ़ता है। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू एन आई ए होता है, और यहां पे जो डायरेक्शन होगी वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी।
अब एरिया वेक्टर क्या था, परपेंडिकुलर आउटवर्ड बट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ पे करंट ऐसे है राइट एंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम फिंगर को राइट एंड को ऐसे कर्ल करेंगे तो यहाँ पे एरिया वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड यानी परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस के। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं ये जो बन रहा था यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए इसको रब कर रहा हूं, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये ऐसे था, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, ये कोयल थी और ये इसकी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, इसके भी परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो मुझे इस सरफेस के परपेंडिकुलर लेना है। क्लियर हुआ? इसको आप थीटा मान रहे थे तो इसको क्या कह सकते हैं, 90 माइनस थीटा, या इसको मैं मान सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, ये एरिया वेक्टर था या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी एम, तो ये थीटा है तो इसको हमने मान लिया अल्फा, बट आपको यहां पे पता है इसकी जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है, और कैसे, करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर को कर्ल करो देन द थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो यहां पे हमें ये पता चल गया अल्फा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा एरिया के जो एक्चुअल में था, ठीक है। और यहां पे थीटा जो है वो ध्यान से देखेंगे, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक, जो हमारी कोयल थी ये कोयल है और ये मैग्नेटिक फील्ड थी, तो इस प्लेन के साथ में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा दैट इज थीटा, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा वो है अल्फा, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, यहां पे ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड और इस परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल है वो कितना है अल्फा, तो यहां पे हम कह सकते हैं थीटा प्लस अल्फा जो होगा वो कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि आप ही तो कह रहे हो सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड तक का एंगल थीटा, मैग्नेटिक फील्ड से सरफेस के परपेंडिकुलर तक का एंगल अल्फा, तो दोनों का समेशन जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री। अब कई बच्चे यहां पे टोर्क में इस रिजल्ट को गलत लिख के आ जाते हैं, टोर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी कोस थीटा, और हम इसको लिख देते हैं एन आई ए को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको कहते हैं कि ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इसका मतलब इसको ज्यादातर बच्चे लिख देते हैं एम डॉट जो सरासर गलत है, डॉट प्रोडक्ट आता है तो इसका मतलब रिजल्टेंट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए स्केलर, बट हम पढ़ चुके हैं टोर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट तो नहीं होगा। दूसरा, ये जो थीटा था दैट इज द नोट द एंगल बिटवीन एम एंड बी, थीटा किस किस के बीच में था, प्लेन ऑफ कोयल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और आप यहां पे क्या मान रहे हो, अगर इनको ऐसे एक्सपेंड करके इनको शॉर्ट में लिखते हैं तो इसका मतलब एंगल जो होना चाहिए वो एम और बी के बीच में होना चाहिए, तो यहां पे एम और बी के बीच में एंगल अल्फा है ना कि थीटा, तो इसका मतलब हम यहां पे इसको रिप्लेस करेंगे, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री है तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 90 माइनस अल्फा, तो यहां पे कोस थीटा इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूं, कोस 90 माइनस में अल्फा, कोस 90 माइनस अल्फा जो होता है वो कितने के बराबर होता है साइन अल्फा, सो हम यहां पे लिख सकते हैं टोर्क इज इक्वल टू एम बी साइन अल्फा, क्या लिखेंगे एम बी साइन अल्फा कोस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा था, कोस करेंगे तो कोस 90 माइनस अल्फा को क्या होता है साइन अल्फा, यहां पे पुट करेंगे। अब इस चीज को पुट कर सकते हो, क्या अल्फा जो है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, अब लिख सकते हो इन वेक्टर फॉर्म टोर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, ये रिजल्ट है क्लियर, और यहां पे टोर्क मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो आपको पता है एन आई बी ए, सॉरी एन आई ए होता है और जो हम लिख रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर हो गया, और यहां पे क्या आएगा साइन अल्फा, ध्यान रखना इस चीज का, आप टोर्क को ऐसे भी लिख सकते हो
एन आई ए बी कोस थीटा, थीटा का ध्यान रखना, थीटा किस किसके बीच में है, प्लेन ये कोयल थी इसके बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और दूसरा क्या था अल्फा क्या था, इस सरफेस के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, यानी प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन ऑफ कोयल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल अल्फा है और प्लेन ऑफ कोयल के बीच में थीटा है। क्लियर हो गया पॉइंट, यहाँ पे ये हमारे पास में रिजल्ट था बेसिकली। तो इसको लिखते हैं, आप इसको डॉट प्रोडक्ट नहीं लिख सकते, ध्यान देंगे यहाँ पे क्रॉस लिखेंगे कब, जब थीटा को हम अल्फा में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसी का एक स्पेशल केस है, मैं ये कह दूं यहाँ पे फर्स्ट केस थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, थीटा जीरो का मतलब प्लेन ऑफ द कोयल इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये जो कोयल है वो बिल्कुल ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी आ रही, तो एंगल जो होगा प्लेन ऑफ कोयल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना होगा, जीरो डिग्री। थीटा जीरो है तो या तो आप अल्फा, परपेंडिकुलर के साथ में कितना है मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 90 डिग्री, तो अल्फा 90 होगा, अल्फा की वैल्यू 90 पुट करेंगे तो यहाँ पे टॉर्क जो होगा वो कितना होगा एन आई बी ए, साइन अल्फा पुट करते अल्फा की वैल्यू 90 तो साइन 91 होता है, यहाँ पे कोस में भी पुट कर सकते हो आप ध्यान रखेंगे, लेकिन ये प्लेन ऑफ कोयल के साथ में तो थीटा जीरो होगा तो कोस जीरो वन होता है, इसका मतलब मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, टॉर्क शुड बी मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हुआ सिंपल सा, इसी केस को बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, आगे हम पढ़ेंगे। When the plane of the coil is in the parallel direction of magnetic field, then the field is called radial magnetic field. और radial magnetic field क्यों बनाते हैं, ताकि maximum torque लगे, वो चीज ज्यादा से ज्यादा rotate करे, क्योंकि हमें motor में क्या करना होता है, rotate ज्यादा करवाना होता है, तो maximum कब लगेगा, जब when plane of the coil is parallel to magnetic field. Theta 90 degree भी हो सकता है, मैं ये कहता हूँ कि अब की बार प्लेन जो है हमारा कोयल जो है वो ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहे हैं, तो प्लेन के साथ कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री, तो 90 बनेगा थीटा, कोस 90 जो होता है वो जीरो हो जाता है, अल्फा के साथ में देखेंगे परपेंडिकुलर लेंगे, तो परपेंडिकुलर लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और इसका परपेंडिकुलर दोनों के बीच में जीरो एंगल, तो साइन जीरो जीरो, इसका मतलब टॉर्क वहां पे कितना लगता है, जीरो लगता है। तो यहाँ पे ये रिजल्ट हमें याद रखना है, नेक्स्ट केस में हमें यूज होगा, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई बी ए साइन अल्फा या एन आई बी कोस थीटा, ध्यान रखेंगे डॉट प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे, क्योंकि जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है टॉर्क दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हुआ, डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है राइट एंड थंब रूल। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे, थैंक यू।